क्या बोल्ड होने पर ही बॉलीवुड में मिलता है काम? क्या छोटे कपड़े पहनने से मिलता है मूवी में लीड रोल? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा शहनाज गिल के कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं। हाल ही में शहनाज की मूवी आई है थैंक यू फॉर कमिंग। इस मूवी में शहनाज के साथ भूमि पडनेकर, कुशा कपिला, डॉली सिंह और शिवानी बेदी ने काम किया है। इस मूवी के आने से पहले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी शहनाज गिल को बड़े पर्दे में देखने की, लेकिन मूवी आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है और इस बार ट्रोलिंग की वजह है उनके छोटे कपड़े। इस पर शहनाज का रिएक्शन भी सामने आ गया है। शहनाज कहती है कि जब भी मैं ट्रोल होती हूँ मैं अपना एक मंत्र अपनाती हूँ, जो मेरा एक रूल है उसको हमेशा फॉलो करती हूँ और वो रूल है स्टे साइलेंट, चुप रहना। मैं हमेशा जब भी लोग मुझे ट्रोल करते हैं मैं चुप रहना प्रिफर करती हूँ। शहनाज ने कहा है कि जो मेरी नई मूवी आई है थैंक यू फॉर कमिंग, इसमें मैंने छोटे कपड़े पहने इसलिए लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रिया कपूर ने जिस तरह से हमारी कास्टिंग की है लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हमें छोटे कपड़ों में देखते हुए। बता दें शहनाज इस मूवी में काफ़ी स्टनिंग लुक में नज़र आ रही है, लेकिन लोगों को शहनाज का ये अंदाज़ पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए लोगों ने शहनाज को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। शहनाज ने इस पर कहा है कि लोग मेरे कपड़ों की लेंथ को देख के जज ना करें, पर्सनली मेरे से मिले, मेरे से दो मिनट बात करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो मेरे फ़ैन बन जाएंगे। शहनाज ने आगे कहा है कि मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे काम को भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे हेटर्स भी हैं जो मुझे ट्रोल करते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप मुझसे पर्सनली मिले और पर्सनली आप मेरे से मिलेंगे तो आप जान पाएंगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है और मैं रियल में कैसी हूँ, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप हेटर्स से मेरे फ़ैन बन जाएंगे। शहनाज ने कहा है कि उन्होंने हमेशा बॉलीवुड स्टार बनने का सपना देखा है और भले ही थैंक यू फॉर कमिंग में लोगों को उनका काम पसंद नहीं आया, लेकिन फिर वो हमेशा से इस फिल्म को एक टर्निंग पॉइंट मानेंगी। शहनाज ने इससे पहले पंजाबी फिल्मों जैसे सच्चा काल इंग्लैंड, काला शाह काला, डाका और हौसला रख में काम किया है। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान से डेब्यू किया था और लोगों ने उसमें उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आपको बता दें कि शहनाज गिल को पॉपुलैरिटी बिग बॉस 13 से मिली थी। इस सीज़न में शहनाज टॉप 3 में आई थी और उनके को कंटेस्टेंट सिद्धार्थ के साथ उनकी नज़दीकियों की खबरें बहुत टाइम तक चली थी, घर के बाहर भी चली थी। उसके बाद सिद्धार्थ के निधन के बाद वो स्पॉटलाइट में आई। आपको बता दें शहनाज ने कहा है कि लोग समझते हैं कि मैं क्यूट बनने का नाटक करती हूँ, मेरी पर्सनालिटी वो नहीं है, मैं ऑल फेक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो, मैं रियल में क्यूट हूँ। ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी बड़े अपडेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें फिल्मी बूट को, और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें।